तेज आ रही कमेंट आने लग गए कि भाई इसका एपिसोड कितने होने वाले हैं, रनिंग टाइमिंग क्या होने वाली है, उसी के साथ कास्टिंग क्या है, स्टोरी क्या है, बहुत सारी चीजें थी जो कि इम्पोर्टेंट थी। तो यार मैंने सोचा कि यार सारे अपडेट को लेकर ये वीडियो बना दिया, क्योंकि भाई अपना ट्रेलर ब्रेकडाउन का काम नहीं है, अपना है न्यूज देने का। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या उसके हाथ में वेपन जो पकड़ा हुआ है, जो कि हाफ शेप मून में है और इतना कमाल लग रहा है, खून लगा हुआ है, कुछ अलग लैंग्वेज में भी लिखा होगा, तो यार मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया ये पोस्टर। देन डिजर्व करता है कि मार्वल अगर कुछ ला रहा तो भाई डिफरेंट ही होगा। और देन मार्वल का जो ट्रेलर के अंदर जो मार्वल का डिफरेंट स्टाइल का डिफरेंट वेरिएंट का लोगो था वो भी ज्यादा कमाल का था, क्योंकि मार्वल फेज 4 में आपने नोटिस करा होगा मार्वल के जितने भी लोगोस आ रहे हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से आ रहे हैं। तो यार समझ रहे हो, वेरिएंट कैरेक्टर के साथ लोगो भी वेरिएंट होते जा रहे हैं। और देन पोस्टर ट्रेलर दोनों ही बहुत ज्यादा कमाल के थे, और आपको ट्रेलर रिएक्शन देखना तो आपको हाई बैटरी में वीडियो मिल जाएगा। देन उसी की बात करें कि ये सीरीज कब रिलीज होने वाली है, तो ये डीसी में एक मूवी आ रही है बैटमैन। बैटमैन के देखने के बाद जो कि बहुत अच्छी लगी मूवी होगी, तो उसको भी मैं प्रमोट करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि बैटमैन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और एंड ऑफ द मंथ 30 तारीख को ये सीरीज रिलीज होने वाली मार्च के दिन, ठीक है। और मार्च में जब ये सीरीज रिलीज होगी तो अराउंड 12:30 बजे ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी में देखने को मिलेगी हिंदी तमिल तेलुगु में। जी हाँ, करीब 3 भाषाओं में ये रिलीज हो रही है इंडिया में सीरीज। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता भी हो गया, तो जाके ले सकते हो, ठीक है। कोई 1400 रुपए वाला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया मार्वल ने वांडा विजन में जो गलती करी थी हिंदी में रिलीज नहीं करी वो अब नहीं कर रहा, उसके बाद बैक टू बैक सारी सीरीज हिंदी में आई है सिर्फ वॉटिफ को छोड़ के। देन उसी के साथ बात करी जाए इसमें टोटल कितने एपिसोड होने वाले हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, ये कंफर्म हो चुका है कि आपको मून नाइट में टोटल 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे, 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और पर एक एपिसोड आपका होने वाला है अराउंड 30 से 40 मिनट का। जी हाँ, अब मैं तो कह रहा हूँ यार देखो 12:30 बजे एपिसोड रिलीज होगा, मार्वल पूरा महीना इसमें खींच देगा 6 एपिसोडों में, और 40 मिनट का एपिसोड होगा, कुछ नया डिफरेंट देखने को मिलेगा, तो सही है। एक घंटा एपिसोड लॉन्ग भी बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके साथ बात करें कास्टिंग की, तो भैया हमारी जो उसमें ऑस्कर है जिनको आपने देखा होगा डून मूवी में बेहतरीन लेवल की जो एक्टिंग है वो थी। और देन अगर आप ट्रेलर नोटिस करोगे तो भैया ट्रेलर में उन्होंने जो एक्टिंग करी है वो कमाल की है। और देन दूसरा जो कैरेक्टर है इसमें वो है ईथन हॉक, देखो दोनों ही कमाल की हैं। और इनकी एक्चुअल में अगर बात करी है किसका कैरेक्टर ये प्ले करने वाले हैं दोनों ही एक्टर, तो बात करें तो भैया हमारे जो ऑस्कर है वो स्टीवन का कैरेक्टर प्ले करने वाले स्टीवन ग्रैंट का, एके जो कि उनकी अनऑथर लाइफ स्पेक्टर एस मून नाइट, ठीक है। ये दो अलग अलग कैरेक्टर हैं जो कि मैं बताऊंगा सिनॉप्सिस में बताऊंगा ऐसा क्या है। तो ये ऑस्कर तो भैया ऑस्कर प्ले करने वाले हैं, और आपने ट्रेलर में नोटिस करा होगा लाजवाब एक्टिंग और एकदम इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इतना फील कर रहे हैं अंदर से कि प्रॉपर उनकी निकल रही है एक्टिंग, ठीक है, आपने देखा होगा। और ईथन हॉक है तो सॉरी निकलने वाली न्यूज है, ईथन हॉक हमारे जो है वो भी बहुत शानदार एक्टर है, और वो कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं आर्थर का, जो कि एक कल्ट लीडर है। और देन सीरीज में पता चलेगा भाई देखो कॉमिक बुक और मूवी या सीरीज मार्वल की डिफरेंट होती है, तो देखते हैं कि इन दोनों कैरेक्टर पर कितना ज्यादा फोकस होगा। अब बात करें स्टोरी की, जो कि आपको 6 एपिसोड में क्या देखने को मिल सकती है, तो ये स्टोरी बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है, पर मार्वल उसे 6 एपिसोड जिस तरीके से खींचेगा और एक्शन सीन होंगे जिस तरीके से पोस्ट क्रेडिट सीन होंगे वो कमाल के होने वाले हैं। तो ये पहले से लेकर 6 एपिसोड तक जो स्टोरी देखने को मिलने वाली है वो पूरा फोकस होगी हमारे स्टीवन ग्रैंट पर, ठीक है, जो कि एक डरपोक टाइप का व्यक्ति है, आपने टीजर में भी देखा होगा, और देन जो कि परेशान है बहुत ज्यादा, ठीक है। और देन दूसरे एपिसोड में उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, आपको एंडिंग में देखने को मिल जाएगी पहले एपिसोड में, दूसरे एपिसोड में वो धीरे धीरे भूलने लगता है अपनी खुद की आइडेंटिटी को और दूसरी आइडेंटिटी को याद करने लगता है, जो कि उसको कनेक्ट तक नहीं करती है। और देन उसको रात में नींद नहीं आती है, एक स्लीपिंग डिसऑर्डर नाम की कोई बीमारी हो जाती है, उसको नींद नहीं आती है, और अनोथर लाइफ यानी स्पेक्टर एस मून नाइट की उसको मेमोरी बीच बीच में आने लगती है, खुली आंखों का सपना आता है उसको, तो ऐसी कुछ बीमारी हो जाती है, डॉक्टरों से मिलता है भाई कोई इलाज नहीं मिलता, तो फाइनली जो उसको मेमोरी याद आती है तो वो उन्हीं जगहों को एडवेंचर करता है। तो ये सीरीज है जो तीन चीज पे बेस होने वाली कैटेगरी में
ड्रामा देखने को मिलेगा, एडवेंचर देखने को मिलेगा और उसी के साथ एक्शन देखने को मिलेगा। मार्वल की तो ये एक्शन तो हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो भैया एडवेंचर के लिए हमारे ऑस्कर भैया यानी कि स्टीवन निकल पड़ते हैं कि उनको जिस चीज के सपने आ रहे हैं वो है क्या। तो एक्चुअली में एशियंट इजिप्ट मून गॉड्स देखते हैं, दिखते हैं हमारे स्टीवन को और दोनों बात करते हैं आपस में और फिर उसी के बाद इसको पावर मिल जाती है। और जैसे ही हमारे स्पेक्टर इसके अंदर आ जाती है, इसकी बॉडी के अंदर, और उनको जैसी पावर मिलती है, मून सिर्फ रात में ही इसकी पावर दिखती है, जिसमें कि वो डरपोक से ईविल बन जाता है, एंड हीरो बन जाता है हमारा मून नाइट। और काफी सारे फिर एनिमी इकट्ठे होने लग जाते हैं और एशियंट एनिमी भी आपको सीरीज में देखने को मिलेंगे क्योंकि आपने ट्रेलर में देखी है। तो आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यार ये भी बहुत ज्यादा कमाल था, देखो अभी इतना हाईलाइट करके नहीं दिखाया एमसीयू वालों ने, क्योंकि उनको सरप्राइज रिवील नहीं करना, क्योंकि यार 30 मार्च को रिलीज होगी, जनवरी का महीना चल रहा है, तो अभी दो ट्रेलर और आना बाकी है। तो भैया बहुत कुछ होने वाला है। तो ऐसे करके ये है पूरा एपिसोड का सब कुछ अपडेट। देन उसी के साथ अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए या फिर और कुछ मुझसे मिस हो रहा है तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को नीचे सब्सक्राइब करना, उस लाल बटन को दबा दो ढंग से अच्छी तरीके से। और बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।